Hello students, today we are going to discuss about question answer of the chapter first, the one inch warrior. The one inch warrior मैंने आपको पढ़ाया था, आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा. तो उससे रिलेटेड जो आज क्वेश्चन आंसर मैं करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर का मैं आज ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो. तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर उतारोगे, अपने नोटबुक में कॉपी करोगे, और जो आंसर मैंने बताऊंगा अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको बनाने का ट्राई करोगे. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आंसर प्रोवाइड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अब देख रहे हो ए नंबर में राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दिस सेंटेंस. आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि ये फाइव क्वेश्चन है जिसको कि आप ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत. तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट. द बॉय वाज नेम्ड इसुन बोसी बिकॉज ही वाज वन इंच टॉल. तो लड़के का नाम क्या था? इसुन बोसी था. तो क्यों पड़ा था उसका नाम? क्योंकि वह एक इंच का लंबा था. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आप कहोगे सर ये तो सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ क्या लिखोगे? ट्रू, दैट मीन्स टी लिखोगे. सेकंड में इसुन बोसी विश टू गो टू द सिटी टू प्ले. तो यहाँ क्या देख रहे हो? इसुन बोसी क्या इच्छा किया? क्या अपने मॉम डैड से बोला कि मुझे सिटी जाना है खेलने के लिए? नहीं. सिटी किस लिए जाना है? काम करने के लिए जाना है. यहाँ क्या होना चाहिए था? द सिटी टू. वर्क अगर होता तो क्या हो जाता? सही. लेकिन अभी क्या है? प्ले है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एफ लिखोगे. आइए थर्ड में आते हैं. इसुन बोसी सेल टू द सिटी इन ए कप. ऑब्वियसली दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. इसुन बोसी सेल्ड किया नाव को खेवा किस लिए? सिटी जाने के लिए. लेकिन कैसे, क्या चीज का था वो नाव? वो कब का था? तो यहाँ क्या होगा? टी होगा या एफ होगा? तो आप कहोगे सर इसमें टी होगा. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यहाँ क्या होगा? टी होगा. लॉर्ड सैंजो डिड नॉट हैव ए ब्यूटीफुल हाउस. लॉर्ड सैंजो का सुंदर घर नहीं था. नहीं, क्या ये गलत है? सही है, आप लोग बताओ. तो आप लोग कह रहे होगे सर देखिए तो द लॉर्ड सैंजो डिड नॉट हैव ब्यूटीफुल हाउस, तो उसके पास तो था सर. आप लोग कहोगे तो मैं भी कहूंगा हाँ था. तो उसके अनुसार क्या हो गया? क्या हो गया? गलत हो गया. यहाँ क्या लिखोगे? एफ लिखोगे. क्योंकि लॉर्ड सैंजो के पास बहुत ही सुंदर, उस शहर में सबसे सुंदर घर किसका था? लॉर्ड सैंजो का ही था. आइए फाइव नंबर. इसुन बोसी फॉर्ड विद द जैंट टू सेव द प्रिंसेस. एब्सोल्युटली राइट. इसुन बोसी ने लड़ाई किया जैंट से, महाकाय से, दानव से किया. किस लिए? प्रिंसेस को बताने, बचाने के लिए. रानी को, राजकुमारी को क्या करने के लिए? बचाने के लिए. तो यहाँ क्या होगा? ट्रू होगा, दैट मीन्स टी होगा. तो आते हैं अब बी नंबर में. टिक द करेक्ट आंसर. द मैन एंड वोमेन वर ब्लेस्ड विद ए टिनी बेबी मैजिकल बॉल या मैजिकल स्पेल. तो आप क्या देखोगे? जो मैन वोमेन थे, जो उन दोनों को क्या चीज से ब्लेस्ड किया गया था, भगवान ने क्या चीज से नवाजा? तो टिनी बेबी छोटे बच्चे से नवाजा था. आइए चलते हैं सेकंड नंबर में. इसुन बोसीज मदर मेड हिम ए स्वॉर्ड क्लॉथ या बोट. तो इसुन बोसी के जो मात है उन्हें क्या दिए? तलवार दिए, कपड़े दिए या बोट दिए? तो क्या होगा? आप कहोगे सर बोट होगा. तो आप बोट में क्या करोगे? टिक करोगे. आपका जवाब क्या है? सही है. आइए थर्ड नंबर में. इसुन बोसी एंड द प्रिंसेस मेड द जैंट ऑन देयर वे टू द टेम्पल फॉरेस्ट या मार्केट. तो प्रिंसेस जो है वो कहाँ जा रही होती है? तो टेम्पल जा रही होती है या फिर फॉरेस्ट या मार्केट? तो आप कहोगे सर यहाँ टेम्पल होगा. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यहाँ क्या होगा? टेम्पल. तो आपको इससे पता चल रहा होगा, आपको कहानी का एक रिवाइज भी होते जा रहा होगा, और क्वेश्चंस को आप देख रहे होगे, इसका आंसर भी खुद से बोल रहे होगे. तो मैं तो सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बोल ही रहे होगे आंसर. तो यहाँ क्या होगा? टेम्पल होगा. आइए चलते हैं फोर नंबर में. इसुन बोसी यूज हिज टिनी स्वॉर्ड टू अटैक द प्रिंसेस, पोक द जेंट या किल द एनिमल्स. तो इसुन बोसी क्या तलवार को किस लिए यूज किया था? जो छोटा सा इसुन बोसी था वो किस लिए यूज किया था? तो आप कहोगे सर जो जेंट था ना, महाकाय था, उसको मारने के लिए किया था. तो आप बोल रहे होगे सर देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है पोक द जेंट. पोक मतलब प्रहार करना. तो पोक द जेंट मतलब जेंट को मुंह में क्या कर रहा था? वो प्रहार कर रहा था, पोकिंग कर रहा था. तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत. ये क्या होगा? आपका सही होगा. आते चलते हैं नेक्स्ट. क्या है हमारा नेक्स्ट? अच्छा एक और बचा हुआ है. इसुन बोसी बिकेम ए वेल नोन. इसुन बोसी बाद में क्या बहुत प्रख्यात हुआ किस नाम से?
आर्टिस्ट के नाम से, एथलीट के नाम से या सैमुराई के नाम से? तो आप कहोगे सर मुझे याद आ रहा है सैमुराई, है ना? तो आप भी आपका सवाल क्या, जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। क्या होगा? सैमुराई होगा, क्योंकि सैमुराई मैंने बताया था जो जापानी सोल्जर्स होते हैं, जापानी सैनिक होते हैं, उन्हें पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? सैमुराई कहा जाता था। तो यहाँ सैमुराई में टिक करोगे। आंसर दिस क्वेश्चन, आइए आंसर दिस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को मैं इसका हिंदी बता दूंगा और कुछ इसका आंसर भी बता दूंगा, आप लोग इसे खुद से बनाने का कोशिश करोगे, क्योंकि आप खुद से करोगे बनाने का कोशिश तो कहीं ना कहीं स्टोरी दोबारा से पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो स्टोरी तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। और आंसर की जहां तक प्रॉपर आंसर की बात है वो तो मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ के जरिए भेज दूंगा, उसके लिए सोचने का बात नहीं है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना तरह का ला रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, आप लोग भी मेहनत करो घर पर, और जितना भी आपके यहाँ प्रोवाइड हो रहा है उसको एक कॉपी में, नोटबुक में कॉपी करके रखो, है कि नहीं? तो जिससे हमको दिखना चाहिए आपका मेहनत। हाँ, व्हाट डिड इसुन बोसिस फादर गिव हिम बिफोर इसुन बोसिस वेंट टू द सिटी? तो क्या कहा जा रहा है, इसुन बोसिस जी के पिता थे, उन्होंने क्या दिया इसुन बोसिस को सिटी जाने के पहले? तो उसे एक तलवार दिए थे, आपको याद होगा, तो आप लिखोगे इसुन बोसिस फादर गेव हिम ए लिटिल स्वॉर्ड बिफोर इसुन बोसी वेंट टू द सिटी। एक बार फिर मैं बोल दूं, इसुन बोसिस फादर गेव हिम ए लिटिल स्वॉर्ड बिफोर इसुन बोसी वेंट टू द सिटी। बस सिंपल एकदम आंसर है। सेकंड, हाउ डिड इसुन बोसी प्लीज लॉर्ड सैंजो? तो लॉर्ड सैंजो को इसुन बोसी कैसे खुश किया, इसुन बोसी लॉर्ड सैंजो को कैसे खुश किया? तो अपने तलवार को हवा में लहरा करके खुश किया था। तो आपका इसका आंसर स्टोरी में होगा, आप लोग एक बार देख लोगे। व्हाट डिड द जयंत लीव बिहाइंड? तो और जयंत हड़बड़ाहट में क्या छोड़ के भाग गया था? तो अपना मैजिकल हैमर छोड़ के भागा था। तो आप यहाँ लिख सकते हो द जयंत लीव्ड अ मैजिकल हैमर बिहाइंड, है ना? व्हाट डिड द प्रिंसेस डू विथ इट? तो जो मैजिकल हैमर रहता है ना, तो उसके साथ प्रिंसेस क्या करती है? तो उसको एक बार ग्राउंड पे पटकती है, हिट ऑन द ग्राउंड, then something magical happened and after some times Isun Bosi got his normal size, अपने normal size में आ जाता है, that means human being के normal size में आ जाता है human being, sorry ये Isun Bosi। What happened after that? वही question पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होता है। तो something magical happened and Isun Bosi got his normal size। तो ये था आपका the 1-inch warrior का question answers। आप लोग इसे video pause करके कॉपी करोगे नोटबुक में, जो मैंने बोला है उसको लिखने की कोशिश करोगे। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड योर ऑल आंसर शीट्स अबाउट दिस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर ऑन योर व्हाट्सएप नंबर्स, और ये आप जो देख रहे हैं पूरा क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पर भी आज ही प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के जरिए, आप लोग बनाओगे। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्टोरी। थैंक यू सो मच।